कृष्ण गोपाल बोल रहे हैं सर, जलालपुर से सांसद प्रतिनिधि। हाँ बताइए सर, परसों दिनांक 29 तारीख से एक जालिम नाम के व्यक्ति को थाने में 504 506 में बंद किए हैं और चालान भी नहीं कर रहे हैं। कल कोतवाल साहब से बात हुआ था, उन्होंने कहा नहीं भाई साहब छोड़ दे रहे हैं, और उन्होंने अभी तक नहीं छोड़ा, लॉकअप में बंद है। उससे महंत यादव 20,000 रुपए की डिमांड कर रहे हैं। कौन महंत? अजय यादव कौन है? SI है सर। अच्छा, और ये महंत यादव जी के खिलाफ सर बहुत ही हमारे पास सबूत हैं और बहुत दिनों से हैं और बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मैंने सांसद जी को आज अवगत भी कराया है और मैं लिखित भी दूंगा उनको, बहुत ज्यादा मतलब जी मैं लिख के दूंगा सर। लेकिन ये 24 घंटे से ज्यादा किसी व्यक्ति को लॉकअप में बंद किए हैं और चालान भी नहीं कर रहे हैं, और छोटा सा मामला मारता हूँ जी सर, देखता हूँ जी सर। क्या नाम है उसका? जालिम। जालिम नहीं, जो बैठा है जालिम नाम है। हाँ जालिम नाम है, जालिम यादव। आप मामले को शायद जान रहे होंगे सर, ये लड़की का छेड़छाड़ का मामला था मिश्रा वाला, वो तो लड़के पास्को में चले गए, जो अपराध किए हैं उनको सजा मिले, लेकिन इसको कि तुमने गाली दिया विपक्षी को, ठीक है इसने भी गाली दिया, इसको भी सजा मिले, लेकिन 24 घंटे में निकटतम मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश करके इनको जो है जो भी करना है करें। नहीं देखिए, मजिस्ट्रेट तो निकटतम वो हमको भी पता है, आपको भी पता है जो है, लेकिन कुछ लोगों की दवा जूता ही होती है, समझ गए ना, तो वो जूता ही का ट्रीटमेंट चाहते हैं। अच्छा, मजिस्ट्रेट साहब तो तुरंत छोड़ ही देंगे जो है उनको। जी सर, जी सर। हाँ तो अगर गलती, मैं देख लेता हूँ पहले की गलती क्या है सर, और नहीं उनको तो जा रहा है। नहीं नहीं, वो तो सही लड़की है, तो छेड़छाड़ करेंगे, धमकाएंगे। नहीं, नहीं, ये लड़... बहुत है ना। नहीं, ये लड़की का छेड़छाड़ नहीं किया था, ये लड़की अम्बेडकर नगर का मुझे इम्प्रेशन इतना खराब है, हर आदमी साला या तो गुंडा है या नेता है। नहीं मतलब यहाँ हमें लगता है सामान्य आदमी सामान्य नागरिक रहता ही नहीं है जो है। नहीं ऐसी बात तो नहीं सर। सर वो तो मेरे ख्याल से गरीब आदमी, मैं तो उसको जानता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं देख लेता हूँ, आप कह रहे हैं तो मैं देख लेता हूँ। ये आपको किसने शिकायत की कि इसको 2-3 दिन से बैठाया गया है थाने पर? उनके भाई ने। और उसको भेज दीजिए, उस को 50 लाठी मैं यहाँ अकबरपुर में मरा के और बंद करवाऊंगा जो है। वो साला कल सुबह पकड़ा गया है और आज सुबह तक तो हम उसको डिटेन कर ही सकते हैं जो है। 24 घंटे का ही जो आप नियम बता रहे हैं। नहीं सर, परसों वो झूठ बोल रहा है। परसों शाम को तो मैंने खुद ही उसको व्हाट्सएप किया था इस आदमी को पकड़ने के लिए। परसों शाम को ही लाए हैं सर उसको? नहीं, झूठ बोल रहा है ना, परसों शाम को नहीं, कब सुबह है? नहीं सर, परसों शाम को। दूसरी बात सुन लीजिए, छेड़छाड़ के मामलों में पैरवी मत करिए, नहीं तो मैं फिर सांसद जी की को फोन करके बताऊंगा कि आप काम क्या कर रहे हैं इस आदमी का। सुनिए सुनिए जी, मेरी बात सुनिए पहले जी। मैंने आपको बहुत सुन लिया जी। ये राहुल यादव भतीजा है, वो कौन है आ रहा है, हाजिर हो रहा है? सर इसका भतीजा नहीं है वो, जो सगा भतीजा है जी, इसका भतीजा नहीं है सर, इससे कोई मतलब ठीक है, इसका भतीजा नहीं है सर। एक मिनट, आप इस तरह की पैरवी बिल्कुल ना करिए, नहीं तो फिर आई विल मतलब टेक इट अदरवाइज, और फिर आपका फोन उठाना मैं बंद कर दूंगा, समझ गए सर? आप अपनी बात कह ली, मेरी भी बात सुनिएगा। मैंने अपनी बात कह ली, और इस तरह के मामलों में अगर आप लोग पैरवी करेंगे जो है सर, तो मेरी मैं बात उठा के और लिखना शुरू करूंगा आप लोग मेरे बारे में। आप बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, मेरे बारे में।